गुड मॉर्निंग एवरी वन कंटिन्यूंग इज मैथड रेट ऑफ इंटरेस्ट मैथड ये मैथड उस सिचुएशन में यूज होता है जहां पर आपका एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन हो अगर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्वेश्चन में गिवन होगा तो जो टाइम पीरियड है उसे आप कंसिडर नहीं करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो जो फॉर्मूला है वो क्या है इसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इक्वेशन इसका देख लेते हैं हम राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2 दे स्टार्टेड देयर बिजनेस ऑन 1st अप्रैल 2012 बाय कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल्स ऑफ 150000 एंड 80000 रिस्पेक्टिवली According to partnership date, the interest on capital is allowed at the rate of ten percent per annum and on drawings it is charged at an average rate of eight percent per annum. Clearly average rate of eight percent per annum. In addition to above, Ram and Sham are to get a monthly salary of three thousand and four thousand respectively. During the year Ram drew forty thousand and Sham fifty thousand before making the adjustment of interest on

While the of अब पर पर है कि करने के बाद फॉर्म का प्रॉफिट गिवन है तो जब हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर हम सैलरी नहीं लिखेंगे आप दो तरीके से इस चीज को कर सकते है या तो आप ये जो एट्टी थाउजेंड है डायरेक्ट वही प्रॉफिट दिखाइए और इस साइड पर डेबिट साइड पर आप सैलरी को शो नहीं करेंगे या दूसरा मेथड क्या है कि आप तो जो ये एट्टी थाउजेंड है उसमें जो सैलरी दी गई है उसको ऐड कर दीजिए और फिर वो वाला प्रॉफिट यहाँ पे दिखाइए और दोबारा से सैलरी को आप यहाँ पे शो कीजिए तो वो लंबा मेथड पड़ जाता है तो सिंपल सी चीज है सैलरी तो हमने जैसे बोला हुआ है देनी है क्वेश्चन में तो हम उसे दोबारा डिडक्ट नहीं करेंगे तो हम ऑलरेडी जो हमारे पास प्रॉफिट गिवन है आफ्टर सैलरी ऑफ पार्टनर उसे हम यहाँ शो कर देंगे तो बाय नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी एट्टी थाउजेंड रुपीज देन आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेते हैं कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट की है वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड एंड एट्टी थाउजेंड और रेट है हमारे पास टेन परसेंट तो वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड पे टेन परसेंट

तो तो और और का का हमने हमने सीधा निकाल लिया पे हमने टाइम नहीं लिखा है क्योंकि हमें एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है तो हमने दे दिया कमीशन दे दी दोनों साइड्स को बैलेंस करेंगे आप तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा और प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे थ्री टू की रेशो

ड्रॉइंग्स उनकी ऑलरेडी गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपने कैलकुलेट कर लिया है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट आया है उसको डिस्ट्रीब्यूट आपने यहाँ करके यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया दोनों साइड्स को बैलेंस करेंगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा तो ये था हमारा सेकेंड मैथड थर्ड जो हमारा मैथड है

M and R are partners who are sharing profit and losses in the ratio of two is to one. The detail of their drawings for the year 2013 are as under: M ki given first Feb first June ko, 31st July first October and subco different amount. Hai. Same se R ki given first March first July first September 31st October and amount different. Hai. Calculate the amount of interest on drawing at the rate of eight percent per annum for the year ended on 31st December 2000. थर्टीन तो पहले एम की देखते हैं सबसे पहले हमने हमने डेट्स लिखी 1st February, 1st June, July और 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 उसके बाद लिख दिया अब हम देखते हैं हैं इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो कॉलम्स हमें बनाना है that is period का कॉलम प्रोडक्ट का कॉलम तो फर्स्ट फेब को अगर उसने जो ड्राइंग है वो निकाली है तो मतलब ये जो ट्वेंटी टू हंड्रेड रुपीज है उतने, उसने कितने मंथ के लिए यूज किए इलेवन मंथ के लिए फर्स्ट फेब को निकाले तो फेब भी पूरा यूज हुआ है तो वन मंथ को छोड़कर जनवरी का जो है उसको छोड़कर इलेवन मंथ को यूज किया तो इलेवन हमने लिख दिया फर्स्ट जून को आपने निकाला है तो फर्स्ट जून से थर्टी फर्स्ट डिसम्बर सेवन मंथ हो गए थर्टी फर्स्ट जुलाई को निकाला है तो थर्टी फर्स्ट जुलाई से थर्टी फर्स्ट डिसम्बर फाइव मंथ हो गए फर्स्ट अक्टूबर को निकाला है तो फर्स्ट अक्टूबर से थर्टी फर्स्ट डिसम्बर आपके थ्री मंथ थ्री मंथ्स हो गए तो अब आपके पास अमाउंट है और आपके पास पीरियड है प्रोडक्ट हम निकालेंगे ट्वेंटी टू हंड्रेड इंटू इलेवन नाइनटीन हंड्रेड इंटू सेवन ट्वेल्व हंड्रेड इंटू फाइव एंड फिफ्टीन हंड्रेड इंटू थ्री तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया इन सबको हम टोटल कर लेंगे टोटल आपका फोर्टी एट थाउजेंड आ सेम तरीके से हम एंड के लिए करेंगे जो आपका फर्स्ट मार्च है फर्स्ट मार्च से आपका थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक टेन मंथ्स बन गए

Amount है है का वो पर की drawing का की आपका आ गया Next show, हमारा एप्लीकेबल होता है जब जो पार्टनर है वो विद्रॉ कर रहा है पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर डेट को एवरी मंथ तो इस मेथड को हम मंथली ड्राइंग मेथड इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप मंथली ड्राइंग कर रहे हो तो तीन सेस इसके अंडर हो सकते हैं जब जो आपकी ड्राॅइंगस है आप एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहे हो ड्राॅइंगस इन द दिडल ऑफ ईच मंथ कर रहे हो या एट द एंड ऑफ ईच मंथ कर रहे हो तो अगर आप ड्राॅइंगस कर रहे हो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ तो जो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप निकालोगे वो चार्ज आपका किया जाएगा सिक्स एंड हाफ मंथ्स के लिए ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज पीरियड ये एवरेज पीरियड जो ये सिक्स एंड हाफ मंथ्स है ये कैसे निकाला जाता है इसे निकालते हैं हम कैसे मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय टू तो इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ अगर आप निकाल रहे हो तो मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग अगर आपने फर्स्ट जनवरी को सपोज आपने ड्राइंग निकाली तो मंथ्स रिमेनिंग कितने हैं ट्वेल्व है तो ट्वेल्व प्लस मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना हुआ आपका आपने जो लास्ट ड्राइंग निकाली है, आपने फर्स्ट दिसंबर को निकाली तो मंथ कितने रिमेनिंग है one. तो प्लस इज इक्वल टू हो गया सिक्स पॉइंट फाइव तो यह आ गया आपका सिक्स एंड मंथ सेम तरीके से अगर आप इन द दिडल निकालते हो तो वही मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ्स रिमेनिंग

ट्वेल्व हो जाएगा देन इसका एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं मोहन सोहन एंड रोहन स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन फर्स्ट जनवरी 2013 थाउजेंड थर्टीन They contributed 80,000, 60,000 and 40,000 respectively and the profit sharing ratio is 4 is to 3 is to 2. According to the terms of partnership deed, Sohan is to be paid a salary of 1200 per month and draw on a commission of 5400. Interest on capital is to be allowed at the rate of 10% per annum and is to be charged on drawing at the rate of 8% per annum. During the year, Mohan withdrew. 1200 per month at the beginning of each month sohan withdrew 1200 per month in the middle of each month and rohan withdrew 1200 per month at the end of each month in the beginning of the each month in the middle of each month and in the end of each month given hai. the profit for the year ended 31st december 2013 before making the adjustments of above amounted to 69822 while showing the distribution of profit prepare partners capital and current account

और कमीशन आप रोहन को दे रहे हो फिफ्टी फोर हंड्रेड तो फिफ्टी फोर हंड्रेड कमीशन लिखती है तो ट्वेल्व हंड्रेड इन टू ट्वेल्व आपकी कितनी ड्राइंग आ गई इंटू एट अपॉन हंड्रेड इंटू सिक्स डिवाइड बाई ट मोहन के लिए सबकी ड्राइंग ट्वेल्व हंड्रेड ही है तो ट्वेल्व हंड्रेड इंटू ट्वेल्व 1200 आपने एवरी मंथ मंथ निकाली है से आपके तो तो, 5. 5 12, तो ये की, की और मोहन की आ तो ये आपने मोहन सोहन और रोहन की ड्राइंग्स लिख दी यहाँ पर देन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाना है तो मतलब आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं तो बाय कैश और टू बैलेंस सी डी जो उनका कैपिटल बैलेंस ओपनिंग गिवन है और बाकी सारी एंट्रीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे आ गया ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने डेबिट साइड पे लिख दिया दोनों साइड्स को बैलेंस किया तो आपका बैलेंस सी डी आ गया देन नेक्स्ट जो हमारा है क्वार्टरली ड्राइंग मैथड इस मैथड को हम कॉन्टिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन थैंक यू सो मच